मेरे साथ इस वक्त वो यूएस का कपल मौजूद है जो कि यूएस में 18 व्हीलर ट्रक चलाते हैं मर्दों के लिए तो ट्रक चलाना बहुत आम सी बात होती है लेकिन ये जो मेरे साथ खातून है ये पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि यूएस में 18 व्हीलर ट्रक चलाती हैं आइए इनसे बात करते हैं असल असल कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र है खुदा क्या नाम है आपका मेरा नाम है जी सायरा जान आपका क्या नाम है अच्छा मुझे ये बताएं कि कब आप दोनों की शादी और ये लव मैरिज थी या फिर अरेंज <laughs> जी हमारी शादी जो है टू uh, थाउजेंड में हुई है 15, 15 में सॉरी टू थाउजेंड में शादी हुई है और 2017 में मैं अमेरिका चली गई तो शादी के बाद कामरन वापस आए शादी की भी मेरे लिए इमिग्रेशन अप्लाई किया और विदन वन एंड हाफ़ ईयर में जो है मैं अमेरिका चली गई तो uh, ये थी जी लव स्टोरी <laughs> आप दोनों मिले कैसे थे तो लव मैरिज थी तो इन कॉलेज टुगेदर आज से 18 साल पहले 17 साल पहले जो so काफी देर पहले फॉर <laughs> लास्ट 18 20 इयर्स सो so, जी हमारी सात आठ साल एंगेजमेंट थी और उसके बाद शादी को भी आठ साल तकरीबन नौ साल हो चले हैं। वो अठारह से बीस साल के अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं कामरान मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये ट्रक पे चलाती हैं या आपको भी अपनी उंगलियों पर चलाती हैं नहीं जी उंगलियों पे, <laughs> पे नहीं ट्रक ज्यादा अच्छा चलाती अच्छा मुझे ये बताएं जब आप पहले यू एस गई थी तो आप क्या काम करती थी जाकर वहाँ पर आ, मैं वहाँ पे जाके मेरा खुद का ब्यूटी सलोन था मैंने पहले जॉब की उसके बाद विद इन ईयर मैंने अपना वहाँ पे ब्यूटी सलो जो है वो शेप्स आईब्रोज़ के नाम से वहाँ पे स्टार्ट किया और जब कोविड टाइम स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने स्विच की अपनी जॉब तो ये ट्रक चलाने का आइडिया कैसे दिमाग में मतलब एक ब्यूटी सैलून से सीधा अटर ट्रक और कोई और चलाता भी नहीं था पहली या फीमेल है पाकिस्तान की तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया एक्चुअली कोविड टाइम में आपको पता है कि सब कुछ बंद हो गया था एक तरह की पूरी दुनिया बंद थी तो हम मैं और कामरान एक दिन हम लोग ग्रॉसरी करने गए वहाँ पे तो हमने देखा कि ट्रक्स जो हैं वो रोड्स पे चल रहे हैं तो कामरान मुझे कहते हैं कि सायरा मैं लाइसेंस ना ले लूँ ट्रक का क्योंकि कामरन वहाँ पे होटल मैनेजर थे और अच्छी पोस्ट पे थे तो दोनों की जॉब चली गई थी दोनों की जॉब चली गई उस टाइम पे तो हम लोग फारग थे बिल्कुल घर में तो हमने डिसाइड कामरन कहते कि मैं लाइसेंस ले लेता हूँ तो मैंने कहा कामरन अगर आप लाइसेंस अकेले ले लेते ले हैं तो आप चला नहीं पत, पाएंगे अकेले ना क्योंकि हम लोग मोस्टली जरा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं तो मैंने कहा अगर आप लाइसेंस ले भी लेंगे तो आप अकेले नहीं जा सकते ज़्यादा देर के लिए दूर तो फिर हम लोगों ने वहाँ से डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो ट्रक चलाएंगे जो आपने उसका लाइसेंस लिया ये कितना इसमें मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए प्रॉब्लम्स तो आएंगे क्योंकि यू का ट्रक का लाइसेंस लेना मुझे पता है इतना आसान नहीं होता है तो जी इसके हमने आ, हम वेले थे तो घर भी हमने ए, ए, में हमने थ्री वीक्स एक महीने में इसका रिटर्न टेस्ट हमने उसकी प्रेपरेशन की उसको पास किया तो हमने जब वो पास किया हमने कहा जी वेरी गुड उसके बाद फिर हमें वी स्कूल तो फिर हमें देवर टू ऑप्शन या तो हम दो महीने के लिए स्कूल जाएं या पंद्रह दिन में सीख लें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था हमने कहा चलिए पंद्रह दिन वाली हम क्लास लेते हैं और इसकी कॉस्ट थी सेवन थाउजेंड डॉलर पर पर्सन अच्छा। इसके लाइसेंस लेने के लिए तो फिर हमने फीस वगैरह पे की और हम स्कूल गए पंद्रह दिन के लिए सुबह छः बजे से लेकर शाम सात बजे तक क्लास होती धूप में जाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था स्पेशली सायरा के लिए तो एक दिन तो सायरा ने गिव अप कर दिया जी पाँचवें दिन के नहीं मैं नहीं ये कर सकते <laughs> क्योंकि वो धूल में वहाँ पर यार्ड में है करना रोड पे जाना तो वो गोरों के साथ आपने रहना फिर लगता है आपकी मोहब्बत ने इन्हें हिम्मत दी कि नहीं यार कामरान जहाँ है वहाँ मैं होंगी सायर को इंक्रेज किया कि नहीं यार अब आए हैं इतने पैसे भी पे किए हैं तो करते हैं फैन इसके ले, ले एक दफ़ा ले ले हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं वो वो आपकी मर्जी होगी तो हमने कहा लाइसेंस तो लेना है वो तो एक हमारे लिए अच्छा ही होगा वो फ्यूचर बहुत सारी जिंदगी हमारे साथ चलेगा तो इस तरह फिर सायरा ने हमें मिल गया जी हमने सारा ये बताएं कि मर्द चले मर्द का तो आप कह सकते हैं चलाते हैं आपको कैसे हुआ कि यार नहीं मैंने चलाना है और किस तरह से आपको हुआ कि नहीं यार मैंने चलाना है कामरान के साथ रहना है एक्चुअली मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है और रेगुलर भी जैसे हम कार पर कहीं ड्राइव करते हैं ना अच्छा। मोस्टली मैं ही ड्राइव करती हूँ तो एक शौक वो भी था कि हम लोग आ, ड्राइविंग का शौक है और पसंद है कि डिफरेंट स्टेट्स देखना घूमना तो दूसरी बात ये थी कि मुझे था कि मैं और कामरन हम आ, अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर आप 24 फोर आवर आप रोड पर रहते हैं तो अगर मैं घर रहूँगी तो मुझे ज़्यादा टेंशन होगी तो बजाय कि मैं फिर सारी रात और दिन फ़ोन पे होंगी कि किधर हैं क्या कर रहे हैं तो इससे बेटर है कि क्यों ना हम दोनों साथ स्टार्ट करें और इनकम भी अच्छी आप अच्छे पैसे बनाते हैं तो उस टाइम पे जरूरत भी थी जैसे कि मैंने बताया कोविड था सिचुएशन पहला बंदा ट्रक ड्राइव करता है वो काफ़ी अच्छे खास से पैसे बना रहे हैं अमेरिका में तो हम तो फिर दो हैं तो हमें इनकम वाइज भी फ़ायदा हुआ हम साथ में भी है और हम अमेरिका घूम रहे हैं और अब अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए तो लोगों को भी पाकिस्तान वालों को भी सैर करवा रहे हैं मतलब आप दोनों जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते थे हैं बताएं कि आप रोड पर कितने टाइम के लिए रहते हैं और घर कितने टाइम के लिए आते हैं जी वी स्टे थ्री वीक्स ओवर द रोड एंड वी कम बैक होम फॉर वन वीक तो हम तीन हफ़्ते रोड पर रह के एक हफ़्ते के लिए घर आते हैं फिर घर में जो भी ग्रोसरी वगैरह की अम्मी अबू पीछे होते हैं घर में तो घर के सारे काम काज देखना सारा ट्रक ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी है हाउस वाइफ भी हैं घर के काम वगैरह सारा देखती सारा कुकिंग बहुत अच्छी करती है जी

क्या क्या मुश्किल देखनी पड़ी लोगों का क्या रिएक्शन था तो फैमिली सबसे पहली बात फैमिली ने सपोर्ट किया था आप लड़कियाँ उनको तो कहती दी आप लड़कियाँ आपको किया था या नहीं आ, इन लॉस के इन लॉस की तरफ से मुझे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया इवन दो कि मेरी जो पाकिस्तान में फैमिली है मेरी अपनी मोम है मैंने उनको नहीं बताया था मैंने कहा अगर मैं उनको बताऊंगी कि मैं ट्रक चला रही हूँ तो वो कहेंगी तू छोटी सी और इतना बड़ा ट्रक चला रही है तो मैंने उनको नहीं बताया ना मैंने कहा मुझे वो रोकेंगे ना कि ओवर द रोड रहना लेकिन मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लाइसेंस लेने के बाद जॉब लेने के बाद मैंने अपनी मॉम को फिर वीडियो पर मैंने दिखाया कि मामा मैं ट्रक चला रही तो वो सारे हैरान हुए और हैरान होने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है यहाँ पे लड़कियाँ गाड़ी चलाने से डरती हैं तो और तो मेरी बेटी इतना बड़ा ट्रक चला रही है वहाँ पे फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था आ, हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था और हर किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी और एक स्पेशली आ, फीमेल जो है वो इस फील्ड में है क्योंकि नॉर्मली हम लोग लड़कियाँ है जो हैं घबराती हैं ड्राइविंग से या इस तरह बाहर निकलने से या हमारा माशरा जो है वो हमें निकलने नहीं देता ना वो कहते हैं अच्छा है वो ये काम करेगी लोग क्या कहेंगे कुछ लड़कियां जो घर से सुनना पड़ता है ना जी।, जी तो वो स्टीरियो टाइप का जो है वो मैंने ब्रेक किया कि नहीं हम लड़कियां हर काम कर सकती हैं और दुनिया में कहीं भी हो हम सारे काम कर सकती हैं कामरान मुझे ये बताएं कि रिलेटिव्स बैक इन पाकिस्तान वो आपको कहते होंगे कैसे वीज़ा मिला हमें भी ड्राइविंग लाइसेंस पे लिया जो हम भी ट्रक चलाएंगे पैसे कमाएंगे तो ऐसे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको आते होंगे रिलेटिव्स तो कम मुझे हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि जी हमें आ, यूएस ड्राइविंग पे ड्राइविंग के वीज़ा पे ले जाएँ और काफ़ी सारे लोग हैं हमारे पास कतर का बहरीन का लाहौर का इधर का एक्सपीरियंस है जी तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं कि आप ड्राइविंग वीज़े पे अमेरिका जा सके मैं इमीग्रेशन पे गया क्योंकि मेरी फैमिली माय ग्रैंड पेरेंट्स मेरे ताया फ सब वहीं के तो मैं तो अपनी फैमिली के थ्रू गया और सायरा मेरे थ्रू गई शादी करने के बाद इमीग्रेशन पे तो उन सब के लिए यही है कि मुझे इतने सारे मैसेजेस हैं तो मैं उनको रिप्लाई भी कैसे करें हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं तो उनको रिप्लाई करना भी एक टास्क है तो इसलिए मैं वी आर अबाउट टू लॉन्च वी आर अबाउट टू लॉन्च दैट फेसबुक ग्रुप जिसके अंदर हम वीज़ा कंसल्टेंसी के बारे में बताएंगे कि लोगों को प्रॉपर वे में फ्री कंसल्टेंसी दी जाए तो उस पर वर्क कर रहा है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे और वो सब इस चीज़ से फ़ायदा उठा कि उनको फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी क्योंकि मैं वन बाय वन सबको रिप्लाई नहीं कर सकता सो वी आर अबाउट टू हायर फ्यू पीपल इन अमेरिका इन पाकिस्तान जो उन सबको फ्री uh, में कंसल्टेंसी देंगे जरा ये बताएं आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं इनको पागल बनाने के अलावा <laughs> पागल मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन आ... शुक्र है कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ लेकिन ये कामराम ज्यादा अच्छा बता सकते हैं उनको मेरे आप, आप, आप बताएं कौन सी डिश आपको ज्यादा अच्छी साथ लगती है मटन कढ़ाई बहुत अच्छा बनाती बनातीजिए अच्छा। तो अमेरिका में मेरी पूरी फैमिली भी जब भी हम गेट टुगेदर करते हैं आ, फैमिली डिनर्स होते हैं तो सायरा के खाना बहुत मशहूर है जी तो मेरे ताया फुफा मेरे कजन सब लोग वहाँ पे पच्चीस तीस लोग की हमारी फैमिली है तो वो सायरा वो सब सायरा के खाने को पसंद करते हैं बड़ी बात है ये बताएं आप थक तो जाती होंगी ना तीन तीन हफ्ते रोड्स पे रहना वो ट्रक से आकर भी घर के काम करती है जी अच्छा। तो अम्बी कहती है तो मेरा फर्ज बनता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती तो वो घर का ख्याल भी रखती है मेरे अम्मी अबू का मेरी पूरी फैमिली का तो ये भी एक अच्छी बात है सारा की बहुत अच्छी बात है ये टू साइड होता है इतनी इन लॉज मिलना है बहुत लकी लोगों के साथ होता है बताएं कि आप दोनों में से डांडा कौन है किसकी हुकूमत चलती है घर में नहीं वी आर इक्वल जैसे कि हम अमेरिका में है अमेरिका पे अमेरिका में वुमेन और मैन इक्वल। वहाँ पे सबके लिए अपरचुनिटीज इक्वल हैं मियाँ बी भी रहते हैं सबके राइट्स इक्वल हैं तो हमें भी हम अमेरिकनइज भी हैं जी तो हम वहाँ के रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो सारा भी इक्वल है मैं भी एकवल लेकिन वो एक डर होता है ना बेगम का वो तो आपके अंदर होगा कामरान तो सब के अंदर ही जी? वो तो गौरव में भी है वो तो अमेरिकन का लेकिन, का। लेकिन कामरा नहीं करते और मैं कभी लड़ूँ भी तो सॉरी वही बोलते हैं

अच्छा सायरा ये स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक तो था अभी कामरान के साथ रहना वो तो हमें समझ आ गया लेकिन एक होता ना माइंड मैसेज अगर मैं इस ऐसे करूँगी इसका ये असर होगा हमारी सोसाइटी पर कोई एक पॉजिटिव मैसेज आपके माइंड में आई एम श्योर ज़रूर होगा जी क्योंकि जैसे ही मैं जब पाकि अमेरिका में ड्राइव कर रही थी तो मैं जब ड्राइव करती हूँ ना मोस्टली लोग पास से गुजरते हैं वो थम्स अप और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं तो जब किसी किसी ने मुझे देखना या पूछना आप क्या करते हैं तो मैं बताती थी कि मैं ड्राइव ट्रक ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था उनसे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कामरन मुझे कहते कि सायरा हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए और हमें वुमेंस को जो है वो इंक्रेज करना चाहिए तो आप क्यों ना जो है वो एक स्पेशल एक चैनल बनाओ जिसमें आप जो है वो वुमेंस को इनकेज ज करो और आप बताओ कि आप हार्ड वर्क हो और आप सारे काम कर सकते हो क्योंकि डर वाली बात नहीं है काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है लेकिन वो हिम्मत होनी चाहिए जिगरा कहते हैं ना जिसको वो होना चाहिए यार मैं ये कर लूँगी कोई ऐसी बात नहीं मैं कर लूँगी तो एक वो थी कि ख़ुद में भी थी कि नहीं मैंने करना है कोई हम सारे काम कर सकते हैं और स्पेशली मैं एक बात कहना चाहती अमेरिकन जो हैं वो वुमेन्स मैं, मैंने वहाँ पे देखा उनको ऑयल चेंज करते हुए वो मर्दों के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा हो सकता हम लोग क्यों डरते हैं बाहर निकलने से या पेरेंट्स क्यों कहते हैं घर वाले क्या कहेंगे रिश्तेदार क्या कहेंगे ये काम नहीं करना ये काम नहीं करना तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इवन दो कि हम लोग कभी रात में किसी डाउनटाउन गए हों तो मैंने देखा है कि कॉल करते हैं हम ऊबर पे तो वुमेन्स आती हैं फीमेल ड्राइवर्स आती हैं और काफ़ी एज वाली लाइक सिक्सटी फोटी यंग भी मोस्टली रात के टाइम भी तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि यार इतना मतलब कि फ्रीडम है यहाँ पे तो क्यों ना हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए हम बाकी चीज़ों में कहते हैं फ्रीडम हो फ्रीडम हो तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं तो ये एक मेरे लिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें जो है वो प्राउडली कोई भी काम आप कर रहे हैं ठीक है आप उसको हेजिटेट ना हो उसमें जो काम करते हैं नहीं है फ़ख्र से करें और प्राउडली करें और मेहनत से करें सारा का भी ऐसा हुआ है कि आप लोग पाकिस्तान आए है, हुए हैं रोड पर फेरेंगे वो देखो ये वो भी अभी भी जा रहे हैं ट्रक चला रहे होते देखो फैंस मिले हैं अभी तक मिले हैं बिल्कुल हम लोग गए थे एरियाज़ में तो वहाँ पे ए, क्या थी जगह कानून लेक है स्वात वैली में, तो वो ऊपर तीन घंटे की गए तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पख्तून भाई वहाँ पे थे वो घोड़े घोड़ा सवारी के लिए भी काफी लोग तो वहाँ पे जो आ, सारे ने हॉर्स राइड ली तो वो जो हॉर्स राइड दिलवा रहा था वो उससे कहा जी बाची मैंने आपको देखा है

कि सायरा को देख के जितने लोग मुतासर हो रहे वो क्या कहना चाहिए इंस्पायर हो रही हैं औरतें तो अच्छी बात है हमें काफ़ी सारे मैसेज मैसेज़ आते हैं कि किसी लड़की ने कहा था कि जी शी वॉज लर्निंग आ, 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 कार नॉर्मल ड्राइविंग इन लाहौर तो उसने गिव अप कर दिया था तो हमारा व्लॉग देखने के बाद उसने दोबारा से स्टार्ट किया तो उसने हमें मैसेज किया लो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अच्छा सायरा ने तो अपना मैसेज दे दिया कामरान आप हस्बैंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर उनकी वाइफ को ऐसी जॉब करना चाहे तो हस्बैंड्स को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए जी जिस तरह मैं कर रहा हूँ जी कि सायरा को मैं हंड्रेड परसेंट जो वो करना चाहती है मेरी तरफ से वो करती है और मैं उसके साथ हूँ सायरा मेरे साथ है तो मैंने सायरा को अगर ये काम कर रही है मेरे अलावा मेरे घर वालों के अलावा मेरी फैमिली के अलावा Uh, मेरा मुझे ज़्यादा प्राउड फील होता है कि सायरा ये काम कर रही है और uh, शुरू से ही हमारा माइंड सेट ऐसा ही था हमने कभी एक दूसरे पे तो जी सपोर्टिव थे और कभी भी हमने एक दूसरे पे uh, किसी भी चीज़ पर हावी होने नहीं दिया ये सायरा मुझ पर हावी किसी चीज़ को लेके या मैं सायरा पर हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और एक दूसरे की बातों को सुना है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारी तो जिस वजह से हम आज कामयाब हैं थैंक यू सो मच सायरा एंड कामरान अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबी दें यू गाइस बेस्ट ऑफ लक गाइस आपने देखा मेरे साथ एक बहुत ही क्यूट सा कपल मौजूद था सायरा एंड कामरान उन्होंने बताया कि किस तरह दोनों की शादी हुई फिर वो लोग यूएस में गए फिर उनकी जॉब चली गई थी उन्होंने ट्रक चलाना स्टार्ट किया और अब लोग उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं